जो जगह दुनिया की नजरों से 500 सालों तक ओझल रही, जो जगह इतिहास के 2000 साल पुराने पन्नों को अपने में समेटे हुए है, जिस जगह ने शोहरत और गुमनामी दोनों को देखा, जिस जगह को खजाने के लालच में कई दौर के शासकों ने रौंदा, जहां पर सदियों तक खजाना नहीं बल्कि ज्ञान का खजाना बढ़ता रहा, जिस जगह को अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी पत्नी के आग्रह पर बसाया, जिस जगह पर खुद अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र और पुत्री ने दीक्षा ली, जिस जगह पर बौद्ध धर्म की सदियों पुरानी आस्था के अवशेष मिलते हैं, जिस जगह पर भगवान बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं, जिस जगह श्रीलंका से बौद्ध धर्म के अनुयायी अपनी श्रद्धा जताने आते हैं, जहां के अवशेषों में ग्रीक आर्किटेक्ट की झलक मिलती है, जिस जगह का जिक्र महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में किया और जो जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शुमार है, ऐसी ही जगह की पड़ताल के लिए न्यू स्टेट की टीम ने रुख किया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सांची का, जहां ईसा पूर्व तीसरी और 12वीं सदी के बीच बने स्तूपों और संरचनाओं से वाबस्ता होने का मौका मिलता है, जो बौद्ध काल के समृद्ध इतिहास का एक झरोखा भी खोलता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह है जो इतिहास के सैकड़ों साल पुराने पन्ने खोलती है। रायसेन जिले के सांची को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वक्त एक दौर ऐसा भी था जब इस सांची ने गुमनामी और नजरअंदाजी का दौर देखा। फिर आई 20वीं सदी जिसने इसके चेहरे से जब धूल पोछी तो ये पूरी दुनिया में एक नायाब चीजों के तौर पर उभर कर सामने आया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब किसी बादशाह को समझ नहीं आया और इस इमारत को तहस नहस करने की भरपूर कोशिशें हुई। आज सांची की वही अनसुनी कहानियां हम आप तक पहुंचाएंगे। सांची के स्तूप कई मायनों में खास हैं। अगर ये बौद्ध धर्म के 85 स्तूपों में से एक अहम स्तूप है तो ये पहला स्तूप है जिसे पत्थरों से बनवाया गया था। सांची के इसी स्तूप से बौद्ध धर्म का ज्ञान श्रीलंका तक पहुंचा, जो इतिहास बताता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने सांची में इन स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने यहाँ पे 22 कमरों का विहार शुरू किया था, यहाँ के लोगों को बुद्ध के संदेश और उस मार्ग से जोड़ना था, तो यहाँ भिक्षु परमानेंट रहेंगे, लोग यहाँ साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उस बीच उनके बच्चे भी हुए महेंद्र संगमित्रा, तो कुछ समय सांची विहार में वो रहे। ये स्तूप भगवान बुद्ध के लिए सम्राट अशोक की श्रद्धांजलि है, तो यहाँ के जर्रे जर्रे में बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत पसरी हुई मिलती है। सांची वो पहला स्तूप था जो पत्थरों से बनाया गया, जिसका निर्माण कराया गया, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। और साथ ही बौद्ध धर्म में भिक्षा की भी एक अहम मान्यता रही है। मेरे पीछे आप जो ये एक नांद देख रहे हैं, इसे नांद कहा जाता है या इसे कटोरा कहा जाता है, ये वो बड़ा कटोरा है जब तीसरी सदी में, जब उस वक्त में भिक्षु आते थे, अपनी भिक्षा लेके आते थे, इसमें रखी जाती थी और उसके बाद वो सब में बांटी जाती थी। और उसके अलावा आपको अब मैं वो मोनेस्ट्री दिखाता हूँ जो पहले यहाँ पर तीसरी सदी में बनी होगी। ये आप जो एक प्लेटफॉर्म जैसा देख रहे हैं, ये पत्थरों का प्लेटफॉर्म मात्र नहीं है, ये मोनेस्ट्री थी। ये पहली ऐसी मोनेस्ट्री बताई जाती है जिसने इस पूरे एरिया में और यहाँ तक कि श्रीलंका तक इसी मोनेस्ट्री के जरिए पूरा बौद्ध धर्म पहुँचा है। यही वो जगह है जहाँ पर अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संगमित्रा ने भी दीक्षा ली थी और यहीं से वो गए थे श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसीलिए सांची श्रीलंकन जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं उनके लिए महाबोधि के तौर पर पूजा जाता है। मौर्य शासक सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी कुछ किया। न सिर्फ उन्होंने बुद्ध के संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित योजना से काम किया, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय प्रश्रय भी दिया। कहते हैं कि उन्होंने पुराने स्तूपों को खुदवाकर उनसे मिले अवशेषों के 84,000 भाग कर अपने राज्य सहित
करीब के देशों में भेजकर बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया था। उनमें सांची भी एक था, जिसे पुराने वक्त में कंकेनवा का कान्या नाम से भी जाना जाता है। मौर्य शासक की राजधानी सांची से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर पाटलिपुत्र थी, यानी कि आज की पटना सिटी। अब सवाल ये उठता है कि पटना से 1000 किलोमीटर दूर अशोक ने इस छोटी सी जगह पर, इस पहाड़ी पर सांची के भव्य स्तूप आखिर क्यों बनवाए होंगे? इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल राजा बिंदुसार, जो उस वक्त पाटलिपुत्र के राजा थे, उन्होंने अशोक को उज्जैनी, यानी कि आज के उज्जैन का गवर्नर बनाकर पहुंचाया था। और उस वक्त विदिशा बौद्ध काल में ऐश्वर्यशाली नगरी भीलसा के नाम से प्रख्यात थी। तब अशोक यहाँ पर आए और यहाँ के श्रेष्ठा की पुत्री विदुषी, यानी कि जिन्हें बाद में देवी कहा जाने लगा, और उन्हीं के नाम पर विदिशा का नाम विदिशा पड़ा है, उनसे विवाह किया। ये अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी और उन्हीं के कहने पर इस जगह पर, इस छोटी सी पहाड़ी पर, ये सांची के भव्य स्तूपों का निर्माण कराया गया। कहते हैं कि ईसा पूर्व 483 साल में जब गौतम बुद्ध ने देह त्याग किया, तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में झगड़ने लगे। अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनमें बांटकर उनका समाधान किया। इसी को लेकर शुरुआत में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। सांची में 3 स्तूप हैं। महास्तूप, जिसको हम कहते हैं, जो तथागत की बुद्ध की अस्थियों के होने का है, स्तूप नंबर 3 ठीक सामने है स्तूप नंबर 1 के। सारिपुत्र महामोगलायन, जो तथागत के प्रधान शिष्य थे, उनकी अस्थियां 1851 में कनिंघम ने प्राप्त की। स्तूप नंबर 2, जो यहाँ पे शिक्षा देने का काम करते थे, 10 सीनियर भिक्षु, नंबर 2 से अस्थियां प्राप्त हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम को। स्तूप नंबर 2 और नंबर 3 से महास्तूप में आज भी हो। शुरुआत में इन स्तूपों के केंद्रीय भाग में तथागत के अवशेष रखकर उसके ऊपर मिट्टी पत्थर डालकर इनको गोलाकार आकार दिया गया। फिर बाहर से ईंट और पत्थरों की ऐसी चुनाई की गई ताकि खुले में इन स्तूपों पर मौसम का कोई असर न हो सके। सम्राट अशोक ने सांची में जिन स्तूपों का निर्माण करवाया, वो पहले के स्तूपों से कई मायनों में खास बताए जाते हैं। अगर इन स्तूपों में बौद्ध कला की सर्वोत्तम कलाकृतियां मिलती हैं, तो इसमें स्तूप, तोरण और स्तंभ का विशेष स्थान है। दावा किया जाता है कि इनमें पहले स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। हालांकि सांची के इस मुख्य स्तूप को कहते हैं कि आज तक कभी खोला नहीं जा सका है। ये जो मुख्य स्तूप है सांची का, ये यहाँ की सबसे बड़ी धरोहर है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हैं। ऊपर आप जो एक सिंबल देख पा रहे होंगे, हर स्तूप के ऊपर एक सिंबल होता है, उसका एक खास महत्व होता है। इस सिंबल का मतलब है बुद्धम शरणम गच्छामि। ये 3 जो छत्रियां हैं, ये सिर्फ भगवान बुद्ध के मंदिरों या फिर उन जगहों पर लगती है जहां पर भगवान बुद्ध का कोई भी अंश रहा होता है। ये स्तूप अपने आप में काफी खास है, क्योंकि आज तक कभी नहीं खोला गया, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेष अभी भी हैं। इसके बाहर जो आप ये पूरी एक लाइन देख रहे हैं, ये बाउंड्री लाइन, इसकी खास मायने है, इसे भूवेदिका कहा जाता है। ये स्तूप सबसे प्राचीन तो है ही, साथ ही ये स्टोन एज, यानी कि जब स्टोन के स्मारक बनाए गए, उसमें सबसे पहली जो कला स्थापत्य की दिखाई पड़ती है, वो यहीं पड़ती है। ये जो भूवेदिका है, इस पे आपको जगह जगह पर इस तरह के साइन दिखेंगे। ये यहाँ के जो 3 स्तूप है, उसमें 3रे नंबर का स्तूप है, ये मुख्य स्तूप है और वो 3रा स्तूप है। ये भगवान बुद्ध के मुख्य शिष्य, जो प्रिय शिष्य थे, उनका स्तूप है, और उनके ऊपर जो सिंबल बना है, उसका मतलब है संघ, यूनिटी, यानी कि वो शख्स जो संघ का प्रचार करते थे, उनकी याद में और उनके अवशेष वहां पर रखे गए हैं, इसीलिए उस स्तूप का निर्माण कराया गया है। सांची के पहले स्तूप की वेदिका में जाने के लिए चारों दिशाओं में तोरण द्वार बने हुए हैं। पूरे स्तूप के बाहर जहां पहले कठोर लकड़ी हुआ करती थी, वहां आज पत्थरों की रेलिंग मिलती है। अंदर वेदिका है, तो कुछ ऊंचाई तक जाने के लिए प्रदक्षिणा पथ भी है। सांची में न्यू स्टेट की टीम ने जब तोरण द्वार को देखा, तो वाकई इसके आकर्षण में इतिहास की झलकियां भी गुथी हुई दिखी।
लेकिन हमारी टीम इस बात को लेकर हैरान थी कि आखिर वो कौन से लोग रहे होंगे जिन्होंने आज से 2000 साल पहले पत्थरों पर इतनी बारीकी और शानदार कलाकृतियों को कैसे उकेरा होगा। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि ये तोरण द्वार 2000 साल पुराना है, यानी कि उस वक्त जब कोई मशीनरी नहीं होती थी उस वक्त इन चित्रों को इसमें उकेरा गया। सैंड स्टोन है ये, उसके ऊपर उकेरा गया है। और इसमें खासियत यह है कि ये जो तमाम चित्र हैं इसके जरिए भगवान बुद्ध की जिंदगी के अलग अलग चरणों को दिखाया गया है। साथ ही कई सारी और कहानियां जो दंत कथाएं उस वक्त प्रचलित थी उन्हें भी यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले देखिए जो भार उठाते हुए ये अलग अलग हर तोरण द्वार पे चारों चार आठ आपको ये दैत्य दिख रहे होंगे। इनकी खासियत यह है कि इसमें हर दैत्य जो है उसकी मुख मुद्रा अलग है। एक दैत्य हंस रहा है तो एक दैत्य गुस्से में है, एक रो रहा है और एक, और यहीं से जो बौद्ध धर्म और चीनी कल्चर में आप एक लाफिंग बुद्धा देखते होंगे वो लाफिंग बुद्धा यहीं से उठाया गया है। इतना ही नहीं, इतिहास के एक युग का बखान कर रही इस तोरण द्वार में दंत कथाओं की झलकियां भी देखने को मिलती है। ये दंत कथाएं इस पूरे शिलालेख में दंत कथाएं उकेरी गई। आप यहाँ पर लोग तो देख पा रहे होंगे लेकिन वो जिन जानवरों पर बैठे हैं अगर उन्हें देख पाए तो समझ पाएंगे कि इस तरह के जानवर धरती पर होने का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। ये शख्स जिस पर बैठा हुआ है ये एक शेरनुमा आकृति है। ये शेरनुमा आकृति इस तरह से शेर पे कभी कोई सवारी करता था या वो घोड़े जितना बड़ा था कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तोरण द्वार पर उकेरी गई कुछ चित्रकारियों से तब के ग्रीक साम्राज्य और बौद्ध धर्म के बीच के रिश्ते को महसूस किया जा सकता है। सांची के मुख्य स्तूप का ये मुख्य द्वार है, इसे तोरण द्वार भी कहा जाता है। मुख्य तोरण द्वार इसलिए इसे मुख्य कहा जाता है क्योंकि आप सबसे ऊपर एक निशान देख रहे होंगे। इसे ये पूरा गोला हुआ करता था, कभी अब आधा टूट चुका है। इसे धर्म चक्र कहा जाता है और ये प्रगति का प्रतीक बताया गया है, यानी कि बदलते वक्त के साथ बौद्ध अपने आप को बदलें, ये इसके जरिए मैसेज दिया गया है। ये तोरण द्वार भी कई सारे चित्रों से उकेरा गया है। इसमें भी भगवान बुद्ध की अलग अलग जीवन शैली और उस दौर की कहानियां बताने की कोशिश की गई है। तोरण द्वार से हटकर सांची में बने दूसरे स्तूप की खासियत भी कम नहीं है। इस स्तूप की भीम वेदिका पर कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। तो कहते हैं कि इसके अंदर बौद्ध धर्म के 10 गुरुओं के अवशेष रखे गए थे। तो हम पहुंचे सांची के स्तूप नंबर 2 पर। सांची को स्तूप नंबर 2 इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसकी जो भीम वेदिका है ये देख सकते हैं आप कि इस पर कलाकृतियां, अभी तक जितने भी स्तूप बने उनके तोरणों पर कलाकृतियां थी लेकिन इसकी भीम वेदिका पर ये कलाकृतियां बनाई गई हैं, उकेरी गई हैं। ये कहा जाता है कि इसे उन तमाम कारीगरों को जिन्होंने स्तूप बनाए थे उन्हें हाथ साफ करने के लिए दिया गया था। ये कहा गया था कि आप यहाँ पर आजमाएं कि पहले आप किस तरह की कलाकृतियां बना रहे हैं ताकि जो तोरण द्वार हैं वो नष्ट ना हो, खराब ना हो। इस स्तूप की खासियत यह है कि इस स्तूप में 10 गुरुओं के अवशेष रखे हुए थे। इसके ऊपर कोई भी छतरी या कोई सिंबल नहीं बना हुआ है क्योंकि ये बाद में खोल दिया गया था, तोड़ दिया गया था खजाने की उसमें, और इसमें जो अवशेष थे वो निकाल लिए गए। सांची स्तूप बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति सम्राट अशोक की आस्था का एक बेमिसाल नमूना है। बावजूद इसके सांची के स्तूपों में भगवान बुद्ध की एक भी मूर्ति नहीं दिखती है क्योंकि हिमयान के युग में इसे बनवाया गया और तब बुद्ध की प्रतिमा को पूजने की परंपरा नहीं थी। यही वजह है कि इन स्तूपों में बुद्ध से जुड़ी बातों का बखान जरूर मिलता है। सांची में कहीं भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा के प्रमाण नहीं मिलते क्योंकि भगवान बुद्ध की प्रतिमा इसलिए नहीं है क्योंकि हिमयान के दौरान में ये बनाया गया और हिमयान में बुद्ध प्रतिमा को पूजने की परंपरा नहीं थी। बाद में राजा शुंग और उसके भी बाद महायान जब आया तब जाकर कभी प्रतिमा पूजन शुरू हुई और उसके बाद पहली प्रतिमा बनवाई गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का चित्र भी नहीं है लेकिन वो तमाम चीज़ें यानी कि पेड़, जीव जंतु और उनकी ज़िंदगी की अलग अलग तस्वीरें दिखाई पड़ती है। आप इन तस्वीरों में जो हाथी जगह जगह पर देख रहे हैं वो ये बताता है कि किस तरीके से उस कहानी को बताता है जहाँ पर भगवान बुद्ध की माँ को सपने में हाथी दिखाई पड़ा था और उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कैसे वो पूरे राजपाट के अकेले वारिस थे लेकिन वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगे। इस तस्वीर में आप सारी वो कहानी देख रहे हैं जो गौतम बुद्ध की ज़िंदगी
गौतम बुद्ध बनने से पहले थी, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको वृक्ष दिखाई पड़ता है, वो वृक्ष जहां से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके ऊपर की कहानी बताती है कि कैसे जानवरों ने सबसे पहले उनके ऊपर आस्था लेकर आए। और आप सबसे ऊपर वाली अगर तालिका में जाएंगे तो तोरण की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि यहाँ पर भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जो राजा रजवाड़ा वो सब छोड़ के आए थे, उसी तरह के सारे राजा उनके चरणों में बैठे हुए हैं। कहते हैं कि सम्राट अशोक की मौत के बाद कई शासकों ने समय समय पर खजाने की खोज में इस जगह का रुख किया और इस समृद्ध विरासत को भारी नुकसान पहुंचाया। अशोक ने सबसे लंबे वक्त तक अखंड भारत पर राज किया, यानी कि एक ऐसा राजा जिसका खजाना भी सबसे बड़ा खजाना होगा। ये माना जाता है कि अशोक का खजाना दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था और इसीलिए इस जगह को खजाने की चाहत ने भी बार बार तुड़वाया, खुदवाया। बार बार हर दौर में अशोक के खजाने की चाहत रखने वाले लोगों ने इन स्तूपों को तोड़ा और यहां से कुछ निकालने की कोशिश की है, जिससे इन्हें बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन क्या वाकई सांची में सम्राट अशोक ने बेइंतहा खजाना दबा रखा था? ये सवाल हमारी टीम को भी किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बेबस कर रहा था, लिहाजा हमारी टीम ने आर्कियोलॉजिस्ट से ही इस सवाल का जवाब जानना बेहतर समझा। एक्चुअली यहाँ तो ज्ञान का खजाना था, खजाना उज्जैन में था, वो गवर्नर थे। खजाने की अशोक को तब तक जरूरत थी जब तक वो राजा थे, और उनको जब बौद्ध धर्म उन्होंने फॉलो किया कलिंग युद्ध के बाद, तो उन्होंने फिर धर्म प्रचार के लिए खजाने का इस्तेमाल किया है, लेकिन उतना प्राथमिकता खजाने को नहीं दी। वैसे सदियों तक मलबे में दबे रहे सांची के स्तूप के अस्तित्व की खोज की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1818 में जनरल टेलर ने खजाने की चाहत में इस जगह को खुदवाया और उन्हें यहाँ पर ये स्तूप दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर जनरल टेलर की तारीफ करनी होगी कि जनरल टेलर ने इन स्तूपों को जब देखा तो इस इतिहास की धरोहर की कीमत समझी और इसे बाद में व्यवस्थित कराया। समय समय पर खजाने के लालच में हुई खुदाई के बाद भी सांची में आज तक किसी को खजाना हाथ नहीं लगा, क्योंकि सांची में सोने हीरे और जवाहरात तो नहीं दबे थे। हाँ, तब ज्ञान का खजाना यहाँ जरूर था और इसी ज्ञान की लौ ने 2000 साल बाद भी सांची की अहमियत को जिंदा रखा है। लेकिन वक्त की धूल इतिहास की ऐसी समृद्ध विरासत पर भी जमती चली गई। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सांची की स्थापना महान अशोक के महान कार्यों में शुमार होती है। राजपूत काल में सांची अच्छे दौर में था, यहाँ के स्तूप और मॉन्यूमेंट बड़े सहेज कर रखे गए। लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया तकरीबन 500 साल का, उसमें मुगल भी रहे, औरंगजेब का दौर भी आया, जब ये गुमनामी में चला गया। इस दौरान इसे बहुत डैमेज भी किया गया, कई इसके जो लेख हैं शिलालेख उन्हें तोड़ दिया गया, कई प्रतिमाएं खंडित कर दी गई। आप ये देख सकते हैं ये प्रतिमा जो कि बाद में महायान के दौरान यहाँ पर स्थापित की गई होगी, इससे भी शायद वो राजा रहे हों जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते हों या नहीं पसंद करते हों, उन्होंने इसे खंडित किया हो, क्योंकि यहाँ पर स्मगलर या खजाने के जो खोज करने वाले लोग थे उनका भी यहाँ पर आना हुआ और उन्होंने इसे ज्यादा डैमेज किया। लेकिन ये जानकारी अपने आप में काफी चौंकाने वाली थी कि अतीत की ऐसी समृद्ध विरासत भी संरक्षण के अभाव में सालों तक दुनिया की नजरों से ओझल हो गई। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि आखिर सांची में कैसे बिखर गया अशोक स्तंभ और सांची से ग्रीक आर्किटेक्ट का रिश्ता कैसे जुड़ा।